तो अब क्लास 9th में आ गए और फिज़िक्स के टीचर मिले हमें, जिनका नाम था सचान सर। जो ट्रेडिशनल टीचर्स होते हैं अपने स्कूल से, वो क्या करते हैं, एक बुक लेके आते हैं, बुक को पढ़ते हैं, रट्टा मरवाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन सचान सर ऐसे नहीं थे बिल्कुल। वो आते थे बिना बुक के, बिना कोई नोट्स के, और उसके बाद बच्चों से पूछते थे, तो हाँ तो कल कहाँ तक हुआ था? तो अपन बता देते थे कि यहाँ तक हुआ था, ओके। तो उसके बाद वो बोलते थे, तो अच्छा तो आज समझते हैं लेंस, फोकल लेंथ। टॉपिक समझाया और अपने वर्ड्स में लिखाया और निकल लिए, ख़त्म हो गया। इतना सिंपल, इतना सिंपल कभी फिजिक्स लगा ही नहीं था। तो इस तरह मिला मुझे अपनी लाइफ का सेकंड टीचर, जो कि एक अपरेंटली टीचर ही था लकीली। उनके टीचिंग मेथड्स ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। तो एक टीचर का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट की लाइफ के ऊपर। एक आदर्श टीचर ही एक निकम्मे स्टूडेंट को नर्चर कर सकता है। जो लोग 8th क्लास में पीछे रह गए थे, वो लोग 9th के रिजल्ट के बाद ये सोचना भी छोड़ दिए कि इसके ऊपर रैंक कभी हम ला भी पाएंगे। देखो, बचपन के रट्टा मारने वाले टॉपर्स या तो जल्दी सीख जाते हैं कि रट्टा मारने से नहीं होगा, कुछ और वेज ढूंढने पड़ेंगे याद रखने के लिए चीज़ें, या फिर वो आगे टॉपर्स नहीं रहते क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा हो चुका होता है। अब तक मैंने पढ़ने का स्टाइल ऐसा डेवलप कर चुका था कि नॉलेज भी बढ़ती रहे और अपने ब्रेन के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर भी ना आए रट्टा मारने की वजह से। हाई स्कूल बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। पिताजी भी बोल दिए थे, बस हाई स्कूल में अच्छे परसेंटेज ले आ, उसके बाद तो लाइफ सेट है गुरु। हाई स्कूल के बीच हिस्ट्री टीचर ले गए आगरा ट्रिप पर, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी घुमाने। अब तक टीचर्स मुझ पर बड़ा भरोसा करने लगे थे, हालांकि 2-3 साल पहले ही वही टीचर्स मुझे नालायक नाकारा बोलते थे कि क्या ही कर पाएगा जिंदगी में। तो ट्रिप में हुआ ये कि उन टीचर्स ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कैमरा संभालने की। तो स्कूल का डिजिटल कैमरा लेके मैं घूम रहा था, जो भी फ़ोटो खिंचाने के लिए बोल रहा था उसका फ़ोटो खींच रहा था, और अपने हिसाब से भी जो भी अच्छा लगता है फ़ोटो वो मैं खींच रहा था। अब लड़कियां और फ़ोटोशूट का बड़ा पुराना नाता है, तो लड़कियों के ऑर्डर पर उनके फ़ोटोज़ लेता रहा मैं। पूरा फैशन फोटोग्राफर वाला फील आया, एंगल बना बना कर अपन ने फ़ोटो लिए। तो वहीं पर एक था हाई स्कूल का गुंडा, जिसकी नज़रों में मैं चढ़ गया। अब जिस लड़की के पीछे वो था, उस लड़की के डिमांड पर मैंने कुछ ज़्यादा ही एंगलों से उसके फ़ोटो ले लिए थे, जो कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो उस गुंडे ने अपने गुंडा ग्रुप के साथ में मिलके प्लान बनाया कि इस लड़के को पेलते हैं। तो एक दिन अपन ट्यूशन पढ़ने के बाद निकल रहे थे अपनी गैंग के साथ में, तभी सामने एक चबूतरे के पास में पूरा का पूरा गुंडा गैंग आके खड़ा हो गया और हमें घेर लिया। अपन ने सोचा, यार ये लोग 4 लोग हैं, अपन तो 6 लोग हैं। पीछे मुड़ के देखा, 2 लोग बचे थे, एक मैं और एक अपना बचपन का दोस्त। उसके बाद वहाँ पर पढ़ने शुरू हुए, बहुत पढ़े। अपन ने एक पत्थर उठाया और हाथ में पकड़ के अपन ने घुमाना शुरू किया इधर उधर, पता नहीं अंधेरा भी था। उसके बाद घर पहुँचे। आप चाहे कितना भी छुपाना चाहो, लेकिन माँ की ममता जो है ना, डिटेक्ट कर ही लेगी। तो मम्मी का प्रेडिक्शन था कि लड़का आज आया है, लड़के इसके थोड़े निशान हैं खरोच वरोच के। अब मम्मी ने तो सोचा कि लड़के आया है, पर अब मैं किस मुंह से बताता कि लड़ाई नहीं करके आया, कुट के आ रहा हूँ। पिताजी ने पूरा गुस्सा सुना और उसके बाद उस पूरे गुंडा गैंग को बुलाया और उनको बोला कि पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दी जाएगी अगर आप लोग बात करने के लिए यहाँ पर नहीं आए। तो 2-3 दिन के बाद में मीटिंग हुआ, वो सब लोग आए और देखा तो उन सब के चोटें लगी हुई थी और एक बंदे के तो पलस्तर भी बंधा हुआ था। मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि ये इन सब का ऐसा हाल किया किसने। उन लड़कों की हालत देख के पिताजी ने भी मेरे कान में बोला, सुन कि तूने इन लोगों को मारा है या फिर इन लोगों ने तेरे को मारा है, भाई समझ नहीं आ रहा। तो मैंने बोला कि पिताजी मेरे को भी नहीं पता कि क्या हुआ इन लोगों के साथ में। तभी वहाँ से एक लड़का चिल्ला के बोला उन गुंडों में से कि ये जो अतुल पत्थर उठा के घुमा रहा था ना, वो सब पड़े हैं हम में, वो पत्थर, उस पत्थर की वजह से हम सबका ये हाल हुआ है। तो चलो ठीक है, जब उनके भी लग गई अपने भी लग गई तो बात ही ख़त्म हो गई। फिर वो सब निपट गया और पिताजी
ने फैसला किया, 10th के बाद बेटा काका देव कोचिंग मंडी जाएगा, कानपुर की सबसे फेमस कोचिंग में पढ़ेगा। 10th का एग्ज़ाम रिजल्ट आया, साइंस मैथ सोशल स्टडीज़ में फोड़ दिए थे एग्रीगेट 87% मार्क्स, और शुरू कर दिया पैकिंग। अब सब कुछ बदलने वाला था, मुझे पता था कि वहाँ जाकर एक अच्छा कॉलेज भले ही मिल जाए इंजीनियरिंग का, लेकिन ये सब जो दोस्त हैं अब यहीं रह जाएंगे। एक नई शुरुआत करने जा रहा था मैं, खुद से फिर बात करने जा रहा था मैं। अब 11th 12th एंड IIT प्रिपरेशन की कहानी नेक्स्ट एपिसोड से शुरू होगी। काफ़ी ख़तरनाक एक्सपीरियंसेस, काफ़ी ख़तरनाक लोगों के बारे में, अपनी लाइफ कैसे बदली एक हॉस्टल एनवायरनमेंट और अपनी लाइफ का लास्ट 3rd टीचर कैसे मिला, इन सब की बातें करेंगे आगे के एपिसोड में।